हेलो एवरीवन, तो ये है हमारा गोवा का डे 3 का व्लॉग। और मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए हया में गए थे। इट वाज अ नियर बाय रेस्टोरेंट एंड इट वाज शोइंग कि यहाँ पे बेस्ट डोसा मिलता है। यहाँ पे कुछ जोमेटो वाले की फ़ाइट हो गई थी, तो वी थॉट कि खाए या ना खाए, लेकिन एक बार बैठ गए तो सोच लिया ठीक है ट्राई कर लेते हैं। एंड आई हैव ऑर्डर्ड मसाला डोसा, माई सेफेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। And it was okay, not so good, not so bad, edible. And then हम लोग निकल पड़े ये डे 3 की सबसे बड़ी गलती करने, मुझे जेल में बंद करवाने। That is correct. It's Agonda jail that we visited on day 3. And यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हो वीडियो में, तो ये है सिकेरियम बीच, जहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं। इट इज़ फेमस फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग इज सनसेट, तो ये व्यू भी काफ़ी बढ़िया था, बट झाड़ी की वजह से प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ से आप अगर आप राइट जाते हो तो एगोंडा फोर्ट का रास्ता है, जहाँ पे ये स्कूटर्स आई ना दो, वहाँ से। एंड लेफ्ट में ही एगोंडा जेल से पहले जिमीज पैलेस भी है। एंड ये हम जेल के पास पहुंच गए। एंड एंट्रेंस पे ही फॉर टू व्हीलर्स एंड फॉर फोर व्हीलर्स देवर आस्किंग फॉर सम मनी एंट्री के लिए, सो 50 रुपीज़ फॉर टू व्हीलर्स। ये देख के वो आगे जो टू स्कूटर्स वाले थे वो तो भाग गए, और हमने 50 रुपीज़ का ये पास लिया और आगे चले गए। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस और द गेट ऑफ द जेल। तो लेफ्ट में मीरामार बीच जो है वो आपको दिखेगा। एंड हम लोग जब कल बोटिंग भी कर रहे थे फॉर टू सी लाइक डॉल्फिन राइड, तो आपको दिख रहा होगा कि राइट में हमने आपको जिमीज पैलेस एंड ये फोर्ट एंड जेल ऑलरेडी दिखा दिया था। यहाँ पे एंट्री का आपको, अगर आप गोवा से नहीं हो तो 200 चार्जेस लगेगा, विच इज़ आई थिंक मोर, बिकॉज अगर फॉरेनर्स आते हैं तो उनके लिए 400-200 ठीक है, बट हमारे लिए एटलीस्ट 100 या 50 रुपीज़ इनफ था। बट दैट्स ओके, देखते हैं आगे ऐसा क्या है कि इन्होंने 200 रुपीज़ चार्ज किया विदाउट पार्किंग। लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा जिमीज पैलेस। एंड ये टूर के बाद मैं सोची रही थी कि काश हमें जिमीज पैलेस ही दिखा देते, क्योंकि यहाँ पे राइट में तो कॉन्सर्ट चल रहा था एंड क्लीनिंग चल रही थी। एंड ये जेल अभी दिसंबर में ही रिनोवेट हुआ है, दिसंबर 2022 में, और इसका इनॉग्रेशन हमारे PM ने ही किया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे सुधार किए गए हैं, बट जेल का असली मज़ा तो वही होगा कि जेल टाइप फीलिंग आए, पता चले कि कैसे सज़ा मिलती थी या फिर कैसे हमारे देशभक्तों को यहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। बट ऐसा कुछ नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग एकदम क्लीन रूम थे, जहाँ पे किसी की शादी या कॉन्सर्ट या फिर कोई फंक्शन हो सके। जेल वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। हाँ, आगे जाके आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि यहाँ पे म्यूज़ियम था, तो दैट इज़ ओके। एंड एंड में ये चर्च है, तो चर्च आपको ऊपर से दिखेगा अगर आप जेल में, मतलब जेल्स देखने जाते हो तो। एंड दिस इज़ अ स्कल्पचर वेर इट शोज़ कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैसे टॉर्चर किया जाता था। एंड आई फेल्ट वेरी बैड वो देख के। फिर या दिस इज़ द अपर व्यू, जहाँ पे राइट में आपको दिखेगा चर्च एंड लेफ्ट में लेफ्ट में ये जेल सी एक ये हॉल था। यहाँ पे आई थिंक सारे आई डोंट नो सारे के सारे लोग या फिर उनका हॉल होगा ये शायद, जहाँ पे वो स्पीच देते होंगे, क्योंकि जेल्स तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। या दिस लुक्स लाइक अ हॉल। पता नहीं कहीं से मैंने सुना था काले पानी की सज़ा मिलती थी, एंड आई वॉन्टेड टू सी कि कैसी होती है एक्चुअल में जेल्स। तो मन में तो था कि जेल तो देखनी ही है, तो लेफ्ट में हॉल देखने के बाद भी मैंने ये रूम से की और सोचा दरवाजे तो जेल की तरह लग रहे हैं। एंड दिस स्मॉल रूम्स लुक्स लाइक कि हाँ, यहाँ पे कुछ सीवियर सज़ा मिलती होगी। एंड ये जो पार्टीशंस है सारी जेल्स की, एंड आई थिंक ये पोर्टुगीज लोगों ने बनाई थी। दिस इज़ वार्डन ब्लॉक गैलरी। आई डोंट नो वार्डन ब्लॉक कौन था। व्हाट इज दिस? ये बस खाली रूम्स थे, एंड वार्डन ब्लॉक फैमिली
का एक फ़ोटो था, पता नहीं कौन थे वो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी भी नहीं थी जो मैं पढ़ के आपको बता सकूं। एंड ये नेक्स्ट गैलरी थी जहाँ पे कुछ आई डोंट नो पिक्चर्स एंड कॉइन्स लगाए हुए थे एंड पुरानी चीज़ें थी बहुत सारी। बट गुड पार्ट वॉज यहाँ पे कूलर्स थे जिसके वजह से लोग सिर्फ कूलर के पास खड़े होके ठंड हवा ले रहे थे, बिकॉज बाहर तो बहुत गर्मी थी। आई थिंक लोग सिर्फ शाम में ही निकलते गोवा घूमना है तो, क्योंकि दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने ली 250 रुपीज़ की लस्सी जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, सब कुछ महंगा था। सो ओवरऑल आई विल से डू नॉट विजिट डेट जेल, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। एंड इवनिंग को हम लोग आ गए थे सिक्केरियम बीच एंड ये है वहाँ का व्यू। सिक्केरियम बीच इज़ फेमस फॉर इट्स सनसेट एंड व्यूज़, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी सनसेट के टाइम पे। एंड दिस इज़ अ व्यू एंड वी आर रीचिंग टूवर्ड्स अ बीच। जहाँ से हम लोग चल रहे हैं ना उसके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एक प्रॉपर्टी है एंड दैट इज़ नथिंग बट द ताज। सो अगर आप ताज में स्टे कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको प्राइवेट एक्सेस ऑफ द बीच मिलेगा, बट इफ़ नॉट देन आपको ऐसे ही यहाँ से बीच का व्यू लेने पड़ेगा। सो देखो ये है प्रॉपर्टी एंड वो जो राउंड था ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आगे आपको दिखाती हूँ मैं वीडियो में, इसीलिए हम लोग लेफ्ट में बैठ गए थे पूरा ओवरऑल व्यू एंड सनसेट देखने के लिए। एंड दिस इज़ दैट प्लेस जो आपको मैं दिखा रही थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट स्टिल आई से इट वॉज वर्थ विजिटिंग सिक्केरियम बीच एंड सनसेट वॉज ऑसम। यू शुड डेफिनेटली विजिट इट वंस एंड एगोंडा जेल ऑल्सो इफ़ यू वॉन्टेड टू विजिट एटलीस्ट वंस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो इट वॉज इंट वर्थ दैट। इवनिंग का डिनर हम लोग कुछ स्पेशल प्लेस पे करने वाले थे बट देन वी वेर वेरी टायर्ड, तो वी थॉट ऑफ कि बाजू में एक लेमन मिंट करके रेस्टोरेंट था। एंड जब हम लोग वापस आए भी सिक्केरियम बीच से तब मैंने वहाँ पे लाइव सिंगिंग सुनी एंड आई आस्क हिम कि कब तक ये ओपन रहता है। एंड ज़्यादा कुछ परेशानी ना लेते हुए हम लोग यहाँ पे चले गए फॉर आवर डिनर। सो म्यूज़िक के साथ साथ मैं देख रही थी मेन्यू कार्ड भी एंड आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग माई फेवरेट फिश दैट इज़ सुरमई रवा फ्राई एंड इट वॉज डिलीशियस बट नॉट सो फ्रेश, तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा बट अगर फिश भी फ्रेश होती तो और मज़ा आता, क्योंकि हमारे यहाँ पे बीच पास है और मुझे हमेशा फ्रेश फिश खाने मिलते हैं। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार अच्छा फिश मिल जाता तो और मज़ा आता, बट उन्होंने बनाया अच्छा था। And this was a singer and he was singing all old and 90s song very beautifully and I liked it. The ambience was very very good. So if you want you should visit this place. It was simple, ज़्यादा लोग भी नहीं थे वहाँ पर, भीड़ भी नहीं थी और जगह की तरफ पे एंड शांति भी थी, तो I like this place. कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए हमने सोचा एक राउंड मार के आते हैं टिटोज़ लेन पे जो है बागा बीच पे एंड वहाँ पे बहुत सारे, अगर आपको शोर शराबे वाली प्लेस पार्किंग मिल नहीं रही थी और हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि लाइफ में एक ही मोटिवेशन बचा था नेचुरल्स की आइसक्रीम जो निशान की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बस आई थिंक ये क्लोज़ होने वाला था 12 o'clock को एंड जिस स्पीड से इसने गाड़ी चलाई है टू विजिट नेचुरल्स वो तो कमेंडेबल है। लाइक 5 मिनट में पहुंच गए हम लोग कैलमगिटे बीच और नेचुरल आइसक्रीम, योर क्रेज फॉर नेचुरल आइसक्रीम। आई नो वेरी वेल, रात को जा रहे हैं कैलमगुट बीच, हमको पता नहीं था कैलमगुट बीच यहाँ पे है बट नेचुरल्स के बहाने हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सो यू कैन सी दिस इज कैलमगिटे बीच एंड ये बागा जैसा ज़्यादा लाउड नहीं है बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बीच साइड सीइंग एंड देखें यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक ऑफ कैलमगुटे एट 12:30 PM एंड ये है हमारा फोर्ट है, आपको दिखा रही हूँ हमारा होटल बिफोर सीइंग बाय। देन हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए चले गए एंड वी वर थिंकिंग कौन से ऐप से कार से टैक्सी करें, क्योंकि लोकल टैक्सी शॉप पे आई थिंक निशान पूछ के आए थे जहाँ पे हमने स्कूटी भी ली थी एंड दे सेड 1000 और 2000 रुपीज़ बिकॉज उनको वापस से राउंड ट्रिप करने के लिए कोई पैसेंजर नहीं मिलता। देन वी डाउनलोडेड गोवा
गोवा माइल्स ऐप। इट्स लाइक ओला एंड उबर ऑफ गोवा एंड इसके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल होते हैं। एंड ये ब्लॉग में हमने सारे वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कवर किए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, प्लेन, देन इलेक्ट्रिक बस एंड टैक्सी भी। एंड यहाँ पे स्विगी जोमेटो है लेकिन ओला उबर नहीं है। तो फूड के लिए तो इट्स ईजी, आप ऑर्डर कर सकते हो, बट ट्रैवल करना है तो आपको गोवा माइल्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड आई थिंक 675 रुपीज़ हुए थे कुछ हमारे। एंड स्टेशन पे अगर आप देखो ना, ये रिलैक्स जोन का भी मैंने वीडियो बनाया है और इसके रेट्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आपकी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस। और ये हमारी मड़गांव सुपरफास्ट LTT एक्सप्रेस आ गई है जो बहुत ज़्यादा स्लो थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।